मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन EVS वी वर डूइंग आवर टॉपिक क्लोथ्स, और क्लोथ्स में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पढ़ चुके हैं, डिफरेंट ओकेजन पे पहनने वाले क्लोथ्स पढ़ चुके हैं. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर विच आर यूज इन मेकिंग क्लोथ्स. यानी कि आज हम डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम करते हैं क्लोथ्स बनाने में. फाइबर से बेटा पहले धागा बनाया जाता है, जो फाइबर्स होते हैं उनसे धागा बनाया जाता है, फिर धागे से कपड़ा बनाया जाता है, क्लोथ बनाया जाता है. तो जो फाइबर्स हैं आप पढ़ेंगे, टू टाइप के फाइबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे. फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी कि वो फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से या एनिमल से, है ना, इस तरीके की चीज़ों से जो हमें मिलते हैं फाइबर, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर. और वो कौन कौन से होते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं. सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर है मेन मेड फाइबर्स. मेन मेड फाइबर कैसे होते हैं? सम फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस. तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो इंसान बनाते हैं, हम जैसे लोग बनाते हैं. दे आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स. और जो ये फाइबर्स होते हैं, क्योंकि हमें नेचर से तो मिलते नहीं है, यानी कि ना तो हमें ये पेड़ से मिलते हैं, ना हमें किसी एनिमल से मिलते हैं, तो ये कैसे बनते हैं? ये केमिकल का यूज़ करके बनते हैं फैक्ट्रीज़ में. ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं केमिकल का यूज़ करके. कौन कौन से होते हैं देखिए वो फाइबर्स? रेयन, टेरिलीन, नायलॉन, ये सारे जो फाइबर्स होते हैं ये मेन मेड फाइबर्स होते हैं. तो आपको इनको अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है और लर्न भी करना है. ओके, गुड लक.